आसानी आना शुरू हो जाएगी और बहुत सी चीज़ों में जो है ना आपको ईजीनेस मिलेगी जहाँ पे किसी के पैसे रुके हुए होते हैं किसी की प्रॉब्लम्स आ रही होती है चीज़ों में अब बेहतरी की तरफ थर्ड ऑफ नवंबर के बाद बहुत लोगों के लिए आसानी होगी फिर अगली जो डेट होगी वो नाइनटीन होगी नाइनटीन ऑफ तब भी काफ़ी ज़्यादा आसानी चीजें ईज जिसको कहते हैं ना जिंदगी में बिल्कुल क्योंकि इसलिए नवंबर की कुछ डेट्स बताइए क्योंकि नवंबर काफी अर्से के पूरे साल के बाद ही बेसिकली आप कह लें क्योंकि जून जुलाई के बाद से लेकर ना काफ़ी ज्यादा एक जिंदगी में ना काफ़ी काफी लोगों के प्रॉब्लम्स चीजें इश्यूज चल रही थी और अक्टूबर वॉज द टफेस्ट मंथ तकरीबोस्टली मोस्टली बहुत से लोगों के लिए टफेस्ट क्योंकि ये नवम्बर थर्ड के बाद अब काफ़ी ज्यादा जिस तरह मैंने भी बोला कि ईज आसानी चीजें आनी है स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर चीज़ों को लेकर मगर ऐसा नहीं मैं कह रही कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा मगर थोड़ी सी आसानी आएगी ज़रूर और जो ख़ास तौर पर चले कुछ जॉडिक साइन की जिस तरह बात करती हूँ एरीज़ फिर वर्गोज़ फिर सेजिटेरियस और सेहत वाइज जो है ना और रिलेशनशिप वाइज कैंसेरियंस बहुत ख्याल रखें कैंसेरियंस के लिए इस वक्त को बहुत अच्छा टाइम नहीं है एक्वेरियस अपनी सेहत के हवाले से और अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस हवाले से उनकी जॉब में भी कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है like, अच्छे के लिए? हाँ अच्छे के लिए आ सकता है मगर खुद से चेंज लाने की कोशिश ना करें अगर आता है या फ्लो में कोई चीज आ रही है तो देट इज ऑल राइट ठीक है मगर खुद से कोई एफर्ट ना करें ठीक है सो so, उसको ईज में रखें और फिर आ जाते हैं कोई किसी का घर का चेंज होगा तो वो टॉरस आएंगे या जिसको हम कहते हैं कोई लोकेशन का चेंज घर का चेंज रेनोवेशन इस टाइप की चीजें कोई टॉरेंस उनके लिए आ सकता है जैमन के ऊपर इस वक्त बहुत बोझ डलेगा रिलेटेड टू घर फाइनेंस और इस टाइप की इस